नमस्कार प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे हैं पाठ क्या बनेगी मुनिया। पाठ 6 क्या बनेगी मुनिया। हमने देखा कि एक छोटी सी बच्ची मुनिया जब पहले दिन स्कूल जाती है तो सब उसके उसको दुआएं दे करके स्कूल भेजते हैं, है ना। तो जब वो नए नए कपड़े और ड्रेस पहन करके स्कूल जाती है तो उसके मन में बहुत सारे ख्याल आते हैं कि वह बड़ी होकर क्या बनेगी, और फिर उसके वो जो ख्याल होते हैं किसी न किसी कारण से वो बदलते रहते हैं। तो ऐसा ही होता है बच्चों, बचपन से लेकर और युवा अवस्था आते आते तक हमारे मन में बहुत सारे सपने बुनते और बिगड़ते रहते हैं, और आखिर में हमें अपना एक लक्ष्य चुनना ही होता है। तो चलिए बच्चों, ये तो था हमारा पाठ क्या बनेगी मुनिया। तो आज मैं करवाऊंगी इस पाठ से संबंधित प्रश्न उत्तर। तो सभी बच्चे ध्यान से प्रश्नों के उत्तर सुने। तो मौखिक प्रश्न का पहला प्रश्न है, दादी ने मुनिया से क्या कहा। उत्तर है, दादी ने मुनिया से कहा कि तुम बड़ी होकर खूब नाम कमाना। दूसरा प्रश्न है, मुनिया तैयार होकर कहाँ जा रही थी। मुनिया तैयार होकर स्कूल जा रही थी। अगला प्रश्न है कि मुनिया के बापू क्या काम करते थे। क्या काम करते थे बच्चों, मुनिया के बापू किसान थे। तो ये तो थे मौखिक प्रश्न, और सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। ये आपको वाक्य दिया हुआ है, इससे संबंधित 3 विकल्प दिए हुए हैं, और जो सही विकल्प होगा उस पर आपको सही का निशान लगाना है। पाठ आपने पढ़ लिया है तो ये काम आप आराम से स्वयं कर सकते हैं। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में बच्चों आपको ये पाठांश दिया हुआ है। पाठांश का अर्थ होता है पाठ में से एक छोटा सा अंश, ठीक है, और इससे संबंधित नीचे प्रश्न दिए हुए हैं। तो ये पाठांश आपको स्वयं पढ़ना है, और इसी पाठांश में से आपने इन प्रश्नों के उत्तर ढूंढ करके लिखने हैं। प्रश्न नंबर 3 है बच्चों, उत्तर लिखिए। ये मैं आपको करवा रही हूँ, ध्यान से सभी बच्चे ध्यान देंगे। पहला प्रश्न है, मुनिया की नानी और दादी उसकी माँ की तारीफ क्यों करती थी। इसका उत्तर है, मुनिया की नानी और दादी उसकी माँ की तारीफ इसलिए करते थे क्योंकि वह अच्छा खाना बनाती थी। अगला प्रश्न है, मुनिया डॉक्टर क्यों नहीं बनना चाहती थी। इसका उत्तर है, मुनिया को खून से बहुत डर लगता था इसलिए मुनिया डॉक्टर नहीं बनना चाहती थी। प्रश्न नंबर 9 है, बापू ने मुनिया को इंजीनियर के बारे में क्या बताया। इसका उत्तर है, बापू ने बताया कि सड़क बनाने का काम इंजीनियर करते हैं। इंजीनियर बताता है कि कैसे सड़कें बने, कहां से बने। अगला प्रश्न है, गौ मुनिया ने बकरी के बच्चे को कैसे बचाया। इसका उत्तर है कि गड्ढे में कूदकर मुनिया ने बकरी के बच्चे को बचाया। तो बच्चों प्रश्न उत्तर यहीं पर समाप्त हुए, और बाकी जो किताब में फिल इन द ब्लैंक्स हैं वो आपको अपनी बुक में ही करने हैं रिक्त स्थान, और भाषा बोध का काम भी आपको अपनी किताब में ही फिल करना है। तो भाषा बोध एक बार मैं आपको समझा देती हूँ। भाषा बोध का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखिए। ठीक है, ये वाक्यांश दिए हुए हैं, इनके लिए एक शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द भी से हम पढ़ते हैं व्याकरण में। तो जो खेती करते हैं उसे क्या कहते हैं बच्चों, जो खेती करते हैं उसे क्या कहते हैं, यहाँ पर लिखना है किसान। जहाँ पढ़ने जाते हैं उस स्थान को क्या कहते हैं, विद्यालय। कर लेंगे ना सब बच्चे, कर लेंगे, मुझे पता है, मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग बहुत आसानी से इस कार्य को स्वयं कर लेंगे। जो मरीजों का इलाज करते हैं वो कौन होते हैं, डॉक्टर। और जहां भोजन बनाया जाता है उसे क्या कहते हैं, रसोई घर। और जो एक ही कक्षा में पढ़ते हैं वो कौन होते हैं, सहपाठी। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये काम पूरा करना है अपना। यहाँ पर देखिए प्रश्न नंबर 2 में आपको कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, और ये आपको सही, यहाँ से सही विकल्प चुन करके आपने वाक्यों में भरना है। जो विकल्प है वह एक विशेषण है। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं विशेषण किसे कहते हैं,
संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। एक बताती हूँ एग्जाम्पल के लिए, जैसे बकरी का बच्चा बैस था। कैसा था? बकरी का बच्चा छोटा था। ठीक है, इसी तरह से आपको बाकी भी करने हैं। प्रश्न नंबर 3 है, वाक्यों में प्रयोग कीजिए। मशहूर, ठीक है, तो आप कैसे करेंगे? जैसे आगरा का ताजमहल बहुत मशहूर है। मशहूर मतलब प्रसिद्ध है। इस तरह से आप बाकी वाक्य प्रयोग भी करेंगे। तो बच्चों, इसी के साथ आपका यह कार्य यहीं पर समाप्त हुआ, पाठ यहीं पर समाप्त हुआ, और एक नए पाठ के साथ फिर से आपके सम्मुख उपस्थित होंगी। तब तक के लिए बाय बाय।